9 साल की लड़की के साथ जो बलात्कार करी है उसके खातिर हम नीक शब्दन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वाकई तुमका बता रहे हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस है भैया, बात अलग है, लेकिन हम बकायदा नीक शब्दन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बताओ ये आदमी आए, ये आदमी के नाम पर धब्बा है, राक्षस है, कलंक है, जो बोलना वो बोलो। बताओ भैया गोलू आए की पुलिस से मुठभेड़, भाई टंगरी में गोली लगी है, 9 साल की बिटिया के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करी से। बताओ ये राक्षस ना है तो का तुम्हें लोग बताओ 9 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म करी से। मामला बाराबंकी सर के नगर कोतारी क्षेत्र के पास भैया रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां पर एक थोड़ी पुरानी जर्जर कॉलोनी है। शनिवार का दिन में करीबन 4 बजे घर में घुस जाती है। पड़ोसी के घर में घुस करके जब उसकी माँ नहीं होती है, उसका भाई नहीं होती है, तो घर में घुस करके 9 साल की लड़की के साथ यह बलात्कार करती है। वह लहू लुहान हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जब माँ आती है घर में, देखा था कि बिटिया बेहोश पड़ी है, लहू लुहान है, होना का तब यह हाय हल्ला मचाती है और तुरंत बकायदा पुलिसों आवती है, केस मुकदमा दर्ज होती है और 3 घंटे के अंदर पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार आरोपी गोलू का गिरफ्तार कर लिया जाती है। बंकी चौकी क्षेत्र में एक अभ्यस्त बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी विजय नामक व्यक्ति ने उसके साथ उसे घर में अकेला पाकर उसके दुष्कर्म किया था। अब जौन भैया 9 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका भैया 14 साल का भाई है जो बेचारा पानी वानी बेचे काम करती है और एक माँ है जो बेचारी बर्तन वर्तन मांजे का काम करती है। बताओ भैया बहुत ही छोटा गरीब परिवार है और ये समझने वक्त हुए भैया रेलवे स्टेशन के पास है एक थोड़ी पुरानी जर्जर कॉलोनी पड़ जाती हुए रहती है और इनका पड़ोसी कोई और नहीं विजय कुमार उर्फ गोलू है जिसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। युवकदा मूल निवासी कानपुर देहात का रहने वाला है, अकबरपुर थाना पड़ जाती है। युवकदा कानपुर का मूल निवासी है और साथ साथ आपको यह बता दें कि वो प्रेम विवाह भी करी से। इस आरोपी विजय की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और ये टीमें जब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी तो करीबन शाम को 8:15 के आसपास इसकी गिरफ्तारी हुई। दौरान गिरफ्तारी इसने पूछताछ में बताया कि इस समय जो कपड़े उस समय पहने हुए थे इसने, उस कपड़े में चूंकि वो खून और सीमन लग गया था और पुलिस से बचने के लिए कि ताकि उसको किसी को शक ना हो, उसने बंकी और सुमैया चौकी क्षेत्र के पास एक अबैंडेंड सा चीनी फैक्ट्री है। अब जैसा पुलिस बकायदा इससे पूछताछ कर रही है कि देखो कपड़ा अपना सब कहाँ छुपा करके रखे हो जो बकायदा तुम तब पहन रखे थे, होना का तभी यह गोलू बताओ देखिए देखो साहब ऐसा है बकायदा चीनी फैक्ट्री के पास है एक छोटी बकायदा झाड़ी फट जाती है हुए कपड़ा अपना छुपा रखे। अब यह बकायदा पुलिस हिरासत से भागे की प्लानिंग बना रहा था अंदर अंदर और पुलिस का जैसे वहाँ पर ले जाती है लोडेड तमंचा भी रखे रहा है, होना का था भैया पुलिस कहती है जाओ कपड़ा निकालो, वह क्या करती है पुलिस पर फायरिंग कर देती है और भागे प्रयास करती है तो पुलिस का जवाब भी फायरिंग करनी पड़ती है और होना का था आखिरकार गोलू के टंगरी में गोली लग जाती है और इका पकड़ लिया जाती है। अब उठ नहीं पाया, भचक भचक के चल रहा, वहां पर इसने अपने कपड़े को छिपा दिया एक झाड़ी में। उस कपड़े पहन उस समय के पहने हुए कपड़ों की बरामदगी है तो जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो जब झाड़ी में एक बोरे में इसने छिपा रखा था और उस बोरे में उसने पहले से अपने एक लोडेड तमंचा भी था और पुलिस हिरासत से भागने के लिए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ आरोपी विजय पर फायर किया डिफेंस में जिसमें कि विजय के पैर में एक गोली हिट हुई है और इसे इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कन्फेस किया है, आवश्यक एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीएन सिन्हा जी की बात सुनी आपने भैया। इस दरमियान देखा तो नगर कोतवाल जगमा त्रिपाठी जी भी उपस्थित रहे, उनके साथ बकायदा देखा तो भैया अपने सीओसीटी साहब जगत राम कन्हौजिया जी भी दिखाई देते रहे और हम तो बाराबंकी पुलिस से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे दरिंदों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा भैया और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और नेता और देखेंगे कम से कम बकायदा जो पीड़िता की माँ है उनका कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, कुछ बकायदा सहयोग किया जाए। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब जितना बढ़िया व्यवस्था बाराबंकी जिले भैया छात्रन खातिर है उतनी बढ़िया व्यवस्था कोनो दूसरे जिले में नहीं है, तुम मानो। हम बकायदा तुमका बताए हमारा व्यवहारी हो गया है प्रतापगढ़, बताओ तो ना कि देखो भैया वहाँ पर ढंग की व्यवस्था है कुछ नहीं रहा है उसका, लेकिन अपने बाराबंकी में देखा थी हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ रहा है, हर तरह की बकायदा भैया देखा थी हो मदद की जा रही है छात्रन की अगर कोई परेशानी है दिक्कत है, लेकिन भैया दूसरे जिला में हारे भैया परेशानी हुई जी हो कहूँ बैठे तक की व्यवस्था नहीं है। आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का एग्जाम चल रहा है, शनिवार का दूसरा दिन भी एग्जाम चल रहा है तो केंद्रों पर सख्ती देखने खातर मिल रहा है। बाराबंकी के डीएम सत्येंद्र कुमार जी, एसपी दिनेश कुमार सिंह जी स्वयं जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस दरमियान आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है दोनों प्रणालियों में कम से कम 1607 परीक्षार्थी जो है अनुपस्थित देखने को मिले, कई केंद्रों पर भैया ड्रोन कैमरे से निगरानी भी देखने को मिली। हम कह लो तो नहीं आपका बता दें कि देखो भैया कुछ भी कहो पर बाराबंकी जिले में व्यवस्था बहुत बढ़िया है, दूसरे जिले में इतनी बढ़िया व्यवस्था देखने खातर नहीं मिलती है। बाकी वीडियो चलेगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।